हेलो गाइस, ये टाटा का सिग्नल ट्रक है। इसमें हेडलाइट, ये वाली हेडलाइट लगा रहे हैं। नहीं, नया ही ट्रक है और इसमें हॉर्न भी लगेगा। ये देख लो, ये ट्रक है, इसका पूरा काम करेंगे। पीछे भी ब्लप लगाएंगे। और ये देखो, ये इधर हेडलाइट लग रही है। प्लास पूरी लगाएंगे, पूरी एकदम नई लगाएंगे। ये इसके वायर जा रहे हैं, ये वाले अंदर से जा रहे हैं। शादी नहीं, हेडलाइट कटआउट के साथ में लगाएंगे अपन। ये हॉर्न लगेगा रूट्स का। ये शादी नहीं लगाएंगे, हेडलाइट कटआउट के साथ लगाएंगे और हॉर्न लगेगा रूट्स का। सेट होगा। ले भाई, तुम आले के नहीं रहे। वायर छोले अभी, ये वायर करंट वाला मिल रहा है। और ये भी करंट का है, इसमें एक अर्थ का है। अर्थ का अपन अलग से लगाएंगे, कभी अर्थ का वायर अलग से लगाएंगे ये, क्योंकि ये कह रहे अर्थ से कभी भी शॉर्ट सर्किट कुछ होए तो नुकसान नहीं होए। बल्ब है, लेट का बल्ब बहुत उड़ने के चांस होते हैं, पहले होल्डर गल जाता है बहुत, कोई भी चांस नहीं हो सकता इसमें ऐसे उड़ने में। ये लाइट ओरिजिनल यूनो मिंडा की लगाई गई है। और ये इसके कपलर इसलिए काटे और दूजे लगाए गए हैं क्योंकि ये जल्दी से जल जाते हैं, इसलिए बाहर से एक दूसरे ला के लगाने पड़ते हैं, वायरिंग करनी पड़ती है इनकी। बल्ब भी वोल्टा के लगाए जाते हैं, 24 वोल्ट। वोल्टा कंपनी का बल्ब है ये, इसकी रोशनी भी बहुत तगड़ी है और पढ़ने में उड़ने में कोई शिकायत नहीं होती। अगर हेडलाइट कटोर के साथ में आप लगाए अगर मैं तो पिकअप में बहुत सही लगे, बहुत ज़्यादा हेडलाइट कटोर के साथ में, और कभी भी उड़ा नहीं है बल्ब। इसकी रोशनी भी बहुत तगड़ी है और कंपनी में खुद ने 24 वोल्ट है, 120-150 डिम में पड़ता ही है, 120 कपूर में होता है इसकी 150। बहुत शानदार बल्ब है, रोशनी भी बहुत अच्छी है इसकी, पढ़ने में उड़ने में कोई शिकायत नहीं है, कोई अर्थिंग कोई इश्यू नहीं है। मैंने बहुत सारे लगाए हैं और ये भी नहीं, अर्थिंग का भी तार है। अपन सही से ढंग से लगाओ, बल्ब नहीं उड़ता है अगर सही से ढंग से नहीं लगाओगे आप, लूज कॉन्टैक्ट के अंदर ये उड़ेगा बल्ब, बहुत ज़्यादा उड़ेगा। मैं तो बहुत साइड लगाता हूँ ये, और सबसे ज़्यादा वोल्टा कंपनी के ही डालता हूँ। बहुत अच्छे बल्ब हैं, कभी भी नहीं उड़ते हैं, उड़ने का तो चांस भी नहीं है। नहीं गिरा बोलते हैं कि ये बल्ब ख़राब है, बहुत ज़्यादा उड़ता है, शिकायत भी नहीं है इसमें तो। बहुत तगड़ी कंपनी दी है इसमें वोल्टा, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत तगड़ी है, चलने में पढ़ने में बहुत शानदार बल्ब है। आप भी है ना, अगर मेरे YouTube वाले भाई भी कोई भी अगर वीडियो देखे तो आप वोल्टा वाले बल्ब डालो, सस्ता सुंदर टिकाऊ बल्ब है। इसका अर्थिंग है, ये अर्थ यहाँ जोड़ा गया है, हेडलाइट का अर्थ। ये देखिए इस नट में ये जा रहा है वायर, ये स्क्रू ये ऐसे खुलता है। ये देखिए ये अर्थ के लिए होता है भाई, और अर्थ का कलर ब्लैक होता है और बाकी दूसरे कलर में भी आता है। ये देखिए अर्थ का ये नाकी लगाई गई इसमें, और अब ये नाकी कस दी जाएगी। ये दूसरी हेडलाइट की ये कस रहे हैं, ये कस दी गई है। और ये जो बाकी के वायर है ये करंट के डिम्पल के हाई और लो के, ये अभी इसे मिला है और हमारी हेडलाइट कंप्लीट हो चुकी है। ये कटआउट है ट्रिपल की, ये इसका है, ये डिम्पल के हैं, ये करंट का है, ये नीचे वाले ये पतले वायर हैं, ये स्विच में लगेंगे अंदर, ये स्विच में लगेंगे अंदर।
और ये इसकी कंपनी बिल्कुल, ये कटआउट है लाइट की, हेडलाइट कटआउट है। और कितने की है? 241 की है, ये समथिंग 180 24 वोल्ट की है, समथिंग 180 रुपये की है। और ये ऊपर वाले वायर अभी रेडी होंगे, ये देखिए, ये इसमें कवर में डालेंगे और फिर अंदर जाएंगे। ये वायर है, दो स्विच लगेगा इनका एक अलग से। ये दो वायर जोड़े जा रहे हैं, ये इसके हैं नीचे वाले वायर जो अभी मैं सोल्ड रहा हूँ। ये नीचे वाले वायर है जो अभी हमने हेडलाइट लगाई थी ना, ये देखिए वापस इनको भी छोला जा रहा है। ये रेड वाला पतला तार, ये येलो ग्रीन सब छोले जाएंगे इसमें। और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे। चैनल का नाम है जितनी इलेक्ट्रिक बैटरी। इसका जो करंट वाला तार है ये लगाएगा, ये वाइट वाला करंट वाला तार है, ये जाएगा अपना इधर ऑल्टरनेटर पे, ये ब्लू वाला ऑल्टरनेटर पे जाएगा। ये वाइट वाला है जो एक अभी मैंने खींचा नहीं है वायर, इसको ये अभी खींच के लगाऊंगा, ये जाएगा अपने सीधा ऑल्टरनेटर पे। ऑल्टरनेटर पे कि उसका करंट है ना ज़्यादा मिलता है जब हेडलाइट कटूं तो, और तेज जलती है, और हेडलाइट कटूं काम करके फिर हेडलाइट को और तेज रोशनी बढ़ाती है, और बहुत शानदार है हेडलाइट कटूं बहुत रियल में। और अपन ये कंट वाला जितना वायर आप कंट पे ज़्यादा दोगे इतना इसका आगे बैकअप मिल के सही रहेगा और लाइट तेज पड़ेगी। ये दो मैंने हेडलाइट के नीचे वाले तार पे लगा लिया, ये जो नीचे सप्लाई जा रहे हैं ये है ऊपर वाले, ये ऊपर हो गए, ये करंट हो गया, ये दो पीले हैं, ये ऊपर के बटन लगेगा इसके, ये रेड वाला करंट का हो गया, ब्लैक वाला अर्थिंग का हो गया, ये सफ़ेद वाला करंट का है वो ऑल्टरनेटर से मिलेगा, और येलो वाला है ना ऊपर जाएंगे बाकी के सब। ये दो तो लग गए हैं इसमें, ये ब्लू और ग्रीन, ये दो लाइट वाइट से मिले हैं डिम्पल से। और भाई बाकी गाड़ियों की भी हमारे वायरिंग की जाती है, जैसे पिकअप है कोई भी गाड़ी हो, फोर व्हीलर, उनकी वायरिंग भी की जाती है, और हॉर्न लगाए जाते हैं, उनकी रिमोट कंट्रोल जो भी सेट करनी होती है टैब, वो हमारे यहाँ से ही होती है, और एक नंबर होती है यहाँ पर। अभी भी हमने बाकी गाड़ी पिकअप के लाइट फिट की थी। ये दुकान है, यहाँ काम चलता है न्यू राजू बैटरी चार्जिंग। और ये भाई है जो बता रहे थे अभी, उनका नाम है जीतू, ये रही साखला है, ऑटो इंटरप्राइज है जहाँ से हम सामान लेते हैं बाकी के। ये 12 वोल्ट का तार लगेगा इस बैटरी में टेप वाला, और ये अभी लगाएंगे बैटरी के, बाकी वो खोल रहे हैं लॉक जो भी है, उसके बाद इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे वायर को। ये दोनों बैटरी के जॉइंट वाला वायर है ना, इसमें लगेगा मेन फ्यूज, ये रहा बैटरी का 12 वोल्ट का तार है, ये इसमें लगेगा, और कभी भी शॉर्ट सर्किट कभी भी नहीं होगा। अपन को दोस्तों यही लगाना है, कभी भी आप लगाओ टैब के अंदर तो ये ऐसा लगता है, ये लगाना चाहिए। माइनस प्लस है 20 वाला जॉइंट लगता है बैटरी का, उसमें लगेगा ये वाला वायर, प्लस में प्लस वाला लगेगा, प्लस के तार के अंदर लगेगा, प्लस में लगाओ या माइनस में लगाओ, दोनों के जॉइंट है जो इन दोनों के अंदर, एक मुंह पे लगाना आपको, वो 12 वोल्ट बन जाएगा अपना, 12 वोल्ट ही आता है ये तार, आपको भी इधर ही लगाना है, और एक्स्ट्रा फ्यूज इधर रखना है, अभी भी कोई भी फ्यूज उड़ जाए तो दूजा चेंज कर सकते हो आप फ्यूज। हाँ तो आप आपको भी ऐसे ही टाई लगानी है, कभी भी गाड़ी चले उसके बीच में इधर उधर ऐसे टच होके वायर, कभी भी लूज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी टूट नहीं जाए टाई लगाते हो तो आप, और टाई तो आपको लगानी है, टाई एक सेपरेट चीज़ है बहुत गाड़ी के लिए, वायर के लिए बहुत सेपरेट चीज़ है ये, मैं तो सब गाड़ियों में टाई लगाता हूँ। ये वायर ऐसे लेते हैं बाहर, ये देखिए मैं आपको जूम करके बताता हूँ, देख लो
ऐसा लेने चाहिए आपको बिटाई लगा के फिर, क्यों कभी भी गाड़ी चलने से इधर उधर होने से कभी भी टूटता नहीं है वायर, और नहीं टूटेगा आप ऐसे लोगे अपना कोई नुकसान नहीं है। कभी भी फॉल्ट भी नहीं होगा और इधर से होके लेना आपको, ये सीधा जाएगा अंदर, इधर ये इधर है ये देखिए, बाकी वायर जा रहे उनके साथ और इधर भी टाई लगानी है आपको, ऐसे ले रहे हो तो आप टाई तो सबकी जगह होनी चाहिए। ये रोस कंपनी का हॉर्न है, अभी अपन इसको तैयार करके टैप वैप लगा के कोयल वोयल तैयार करके फिर पूरा फिटिंग करके फिर अपन इसकी आवाज़ सुनाएंगे आप लोगों को, और बहुत जबरदस्त हॉर्न है ये, आपको इसकी फुल फिटिंग बताएंगे हम। ये उसकी कोयल फिटिंग हो रही है, ये इस तरीके से इसकी कोयल फिटिंग होती है, और जब तक 6 कोयल फिटिंग होती है तब तक थोड़ा इंतजार करिए। ये देखिए बाकी का, ये भी बाकी की कोयल, ये प्रेशर मिली, ये देखिए ये इसके वायर, और ये कोयल भी रिपेयरिंग होती है, कोयल भी रिपेयरिंग होती है, ऐसे देखिए ये खुलती है, इसको खोलने के बाद ये इसके अंदर से ये निकलता है स्प्रिंग, इसको बड़ी करनी स्प्रिंग इसको बड़ी करनी पड़ती खींच कर, और फिर वापस अंदर डालकर इसको कसना पड़ता है। तो ये बाकी की कोयल कसने के बाद मिलेंगे आपसे। तो ये देखो गाइस, हमने पूरी कोयले कस दी है, ये हमने पूरी कोयले कस दी है, देखिए अब ये नलके हैं जो ये दिख रही, इसमें ये सब टी में लगेगी, ये सब इस टी में लगेगी, देखते रहिए आपको आगे बताते हैं कैसे होती है फिटिंग। ये वाइट टैप गट्टी, ये वाइट टैप की गट्टी लेके इस पर लपेट कर फिर इसमें फिट करते हैं, इसमें ये ऐसा पैक फिटिंग होती है, देख लो आप, और इसी तरह से के बाकी आपको बाकी सब जो भी है ये वो भी ऐसी ही कसनी है आपको। ये देख ली, ये हॉर्न है, रूट्स का हॉर्न है, ये देखिए, और ये 24 वोल्ट का है, ये देखिए जो भी है आपके सामने, ये देखिए कितने का है कितने का नहीं है वो सब आपके सामने है, ये इसकी पूरी जानकारी। ये देखिए ये लगा दिए, बाकी क्यों हो रही है अब बता रहे हैं आपको क्या हो क्या नहीं। ये देखो आप सब कोयले मैंने अच्छी तरह से पूरी फिटिंग कर दी है, टैप की गट्टी लगा के एकदम सही होगी। ये पैप देखो, पैप भी बहुत अच्छी से फिटिंग की है, टैप की गट्टी लगा के पूरे का अंदर, ठीक है ना, बहुत अच्छी हुई। आप ये इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1, 4, 2, 5, 3, 6, ये वायर हैं इनके, और इनके ऊपर ही नाम नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ये हो गए अपने 5 नंबर, तो ये 5 नंबर है, तो 5 नंबर ऊपर की लगाने, ये 5 नंबर कोयल है ये वाले, आपको ये नहीं देखना है 3 के ऊपर लगा है 2 के ऊपर लगा है, जैसे नंबर लिखे हुए सामने हैं 6, 3, 5, तो पहली नहीं दूसरी नहीं तीसरी वाली कोयल पर ये 5 नंबर की आपको इसके ऊपर लगाना है, और कहीं नहीं लगाना, उसके ऊपर लगाना आपको फिक्स है, ठीक है ना। फिर और आएगा 3 नंबर है उसके ऊपर, 2 नंबर ये, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये, जो नंबर लिखे हुए उनके ऊपर आपको कोयल लगानी है पूरी, ठीक है ना, और आगे की जानकारियाँ और देंगे अपन पूरी सही तरीके से। ये पूरी सही देख लो आप कितनी फर्स्ट क्लास फिटिंग हुई है। ये पाइप हॉर्न पाइप लगेगी, ये हॉर्न पाइप है, ये लगेगा मेन, ये प्रेशर में, ये बीच में ये हॉर्न पाइप है, ऊपर रखा कर फोन को, ऊपर रखा कर, ये देखिए ये कस रहे हैं, ये कस दिया इसको, ये देखिए ये बाकी के वायर, ये वाले लाइन वायर लग गए, तो बाकी के 1, 1 से 2, 2 से 3,
चार पाँच छः, ये कनेक्ट हो गए सारे, ये तार कनेक्ट हो गए इस पीले वायर से मिल रहे येलो वायर से, ये देख लो। और ये प्रेशर नहीं लिया, ये इससे मिल रही है। और ये छः पाइप का हॉर्न है, तो चार में हम 10 फुट लेके। ये हॉर्न की कटआउट है, ये इसकी कटआउट है 12 वोल्ट 24 वोल्ट की, डिजिटल मेलोडी मेकर एक्स्ट्रा। ये देखिए रियल में ये ऐसी है, ये पीछे से ये देखिए वो वायर अभी हमने लगाए वो कनेक्ट हुए हैं। और ये इसके अप डाउन का बटन, ये हॉर्न चेकिंग चार में हम 10 फुट लेके। ये हॉर्न की कटआउट है, ये इसकी कटआउट है 12 वोल्ट 24 वोल्ट की, डिजिटल मेलोडी मेकर एक्स्ट्रा। ये देखिए रियल में ये ऐसी है, ये पीछे से ये देखिए वो वायर अभी हमने लगाए वो कनेक्ट हुए हैं। और ये इसके अप डाउन का बटन, ये हॉर्न चेकिंग हॉर्न कनेक्शन पाइप है, ये देखिए इस तरीके से ये लगता है, इधर लगता है, इधर लगता है और ये इधर टीप है इसकी, ये बन बनाई हुई टी आती है और इसमें कसी जाती है। बाकी ये लगाया मैंने, लगाना है ये हॉर्न, इस पे लगा के अपन बजाएंगे। और इसकी ये कनेक्शन पाइप है जो बजेगा हॉर्न। ये अभी नई गाड़ियों में BS6 के अंदर ये वाला सिस्टम दिया है कंपनी ने, और इधर ही होता है कनेक्शन, आगे नहीं होता है सर्वे पे। अब सर्वे टंकी पे होता है, देख लो इस तरीके से मैंने पाइप लिए सब क्लिक के हिसाब से, आगे लगा हुआ है खाली साइड में ओरन, और देखो पूरे कितने
सेपरेट पैप लिए मैंने कनेक्शन करके। अब ओरन अभी चालू हुआ है, अभी होने वाला है, अभी बजा के बताएंगे आप लोगों को। ये इसकी देख लो, ये ओरन लगाया है और इधर इसकी टैप करके पूरा, ये इसकी कटोर लगाई है अपन ने, इधर कटोर लगती है ना वो वाला, ये ओरन के बटन के तार है, ये चलेगा ऐसे ऐसे बजेगा। फिर देख लो आप ये पूरा, ये इसके अंदर में दो चीज़ें लगी थी मैंने, ये तो होगी टैप का, ये हो गया अंदर का, ये सतपंख का लगेगा सामने वहाँ पर, और ये टैप लगी थी मैंने पूरी फुल फिटिंग करके, पूरी कंपनी के जैसा काम हुआ है। देख लो देख लो, हेडलाइट उस यूज भी लगाया है मैंने, देख लो सुबह बताया था आपको हेडलाइट वाला, ये अभी अभी बजा के बताएंगे आप लोगों को। तो हेलो गाइस, ये टैप भी लगा लिए हमने, ये देखिए, और हॉर्न भी सेट कर लिया इसमें। अब हमने पूरा प्रोसेस कर लिया जो भी हॉर्न सेट करना था, ये टेप लगानी थी, वो टेप का वायर भी आपको बताया था बीच में, हमने पूरा काम कर लिया है। अब देख लो सुबह से रात हो गई हमें काम करते करते हुए, और ये देखिए ये लाइट भी लगाई है हमने, ये मतलब पूरे डब्बे में, ये देखो रेडियो वाला, ये राज रेडियो किंग ऑफ साउंड ब्लूटूथ वाले, और ये हम हॉर्न लगा रहे थे, अब हमारा हॉर्न का पूरा प्रोसेस पूरा हो गया, अब इसे बजा कर देखने वाले कैसा बजता है।